सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ सतगुरु नानक प्रगटिया मिटी धुंद जग चानन होआ ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोवा आदि निरंजन है गुरु नानक धार के मूरत है जग आयो लोग सुनियो पर लोग सुनियो बिद लोग सुनियो सब दर्शन पायो संगत पारे उतारन को गुरु नानक साहिब पंथ चलायो वाहिगुरु गुरु नानक साहिब धार के मूरत है जग आयो कहां बुद्ध प्रभु तुच्छ हमारी बरन सकै महिमा जो तिहारी हमना सकत कर सिफत तुम्हारी आप लिहो तुम कथा सुधारी सो कहो टल गुर सेविया अहनस सहज सुभाय दर्शन परसिया गुरु कै जन्म मरण दुख जाय दर्शन परसिया गुरु कै जन्म मरण दुख जाय जुगो जुग टल चबर छतर तखत दे मालक गुरदा गद्दी उपर सुभाए मन दस पातशाहियां दी आत्मक जोत सर मनुखता दे सांझे रहबर सर मानवता दे मार्ग दर्शक बाणी गुरु शब्द गुरु धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी हाजर हजूरी विच बड़े ही अदब सत्कार नाल जुड़ बैठी गुरु का खास रूप गुरु खालसा साह संगत जीओ आओ सरबत माई भाई गल्लां बातां तो संकोच करदे होए चौंकड़ियां मार के पलाथियां मार के गुरु चरणां दा ध्यान धर के बैठो अते सतगुरां दी बख्शिश कीती होई पावन पवित्र गुरफते दी सांझ करो कोई भी रसना वांझी ना रहे सारे माई भाई झुकाओ सीस धन गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं अते मिल के गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक बार फिर सारी संगत जेडे पहली बार फतेह च शामिल होणो रह गए हो वह भी माई भाई ध्यान दियो बड़े प्यार नाल गुरु चरणा च जुड़ बैठे हो सारे थोड़िया जिहा सुरतियां बिरतियां एकागर करो क्योंकि प्रभ की उस्तत करो संत मीत सावधान एकागर चीत सावधानता और एकाग्रता की बड़ी लोड़ है। गुरबाणी की कथा गुरमत की कथा इतिहास विचार सारे माई भाई ध्यान जोड़ो जिन्हें भी बच्चे बजुर्ग नौजवान बैठे हो गुरु के चरणों आओ एक बार फिर सारे मिलके गज के फतेह की सांझ करो आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक बार फिर फतेह की सांझ करनी है क्योंकि गर्जवी आवाज इन्नी संगत बैठी है सारिया की आवाज नहीं आई सारे माई भाई शामिल नहीं हुए फतेह च ते फतेह कोई रस्म ही नहीं है भी जिन्हें भी बोलना बस फतेह बुलानी है बुलारे ने तो बुलानी आप चाहे जवाब दईए चाहे ना दईए फतेह का बहुत वड्डा महात्म है। मैं अक्सर समागम च संगतां नाल विचार सांझे करदा कई बार पंथ दे कौम दे रागी ढाडी प्रचारक कवीसर सिंघां कोलों तुसीं बचन सुणदे आ उन्हां दे बनाए हुए फतेह दे महात्म जिहदी रग च फतेह उहदी जग च फतेह जिहदी जबान ते फतेह उहदी जहान ते फतेह जिहड़ा गज के बुलाउंदा फतेह उह पाउंदा फतेह ये साडी कौम दे विद्वानां प्रचारकां ने बनाए फतेह दे महात्म च बोल पर जिहड़े गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ने आप भाई मनी सिंह नूं बोल बख्शिश कीते मैं वो तुहाडे नाल सांझे करां। मेरे नालों सियाणे तुसीं पढ़े लिखे माई भाई गुरु के चरणों च जुड़ बैठे हो ध्यान जोड़ो जड़ा गुरु के चरणों च अगे नालों एकाग्रता होई है होर एकाग्रता करो गल्लां बातां तो ध्यान संकोचो समाप्ति तो बाद जिन्नियां मर्जी घर दियां परिवार दियां गल्लां बातां कर लियो कोई नहीं रोकदा जिन्ना चिर गुरु चरणा च बैठे हो ध्यान गुरु चरणा च गुरमत शब्द कीर्तन गुरमत विचारां कथा विचारां च ध्यान दियो क्योंकि रहत नामियां दे वचन हर जस करते बाद चलावै कहे गोबिंद सिंह जमपुर जावै जिहड़ा रब दियां कथा कहानियां च अपनियां दुनियावी गल्लां करी जांदा ना
रहत नामियां दे बजन उन्हों को रोक नहीं सकता जमा दी पुरी नू जाऊ क्योंकि ना उन्हें आप रस लेना ते ना किसे नू लेन देना। थोड़ा जा स्पीकर ठीक करो, विसल ना मार। ना उदा अपना रस बनता, ना उन्हें आप रस लेना, ना किसी का रस बन देना, ना किसी नू रस लेन देना। सियाने हो, पढ़े लिखे बैठे हो, गुरु के चरणा बड़ा उपराला कीता, जाहर पीर जगत गुर बाबा धन धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह दे प्रकाश दिहाड़े नू समर्पित गुरमुख प्यारे गुरु घर के सरदालू सरदार भुपिंदर सिंह लाडी प्रधान जी जिन्हां वल्लों उपराला कीता गया, सारे परिवार वल्लों ये सौंकड़ा नगर करनाल हरियाणा की धरती से आपां जुड़ बैठे हाँ। सारे लाइव टैलीकास्ट हो रहा पूरे संसार विच, संगतां सरवण कर रही हैं बड़े प्यार नाल। जिन्नी क जगह मैं देख रहा बहुत संगतां आ रही जा रही हैं, जिन्ने क उठते उन्ने क आ बैठते है, वड्डी गिणती च संगतां इत्थे पहुंचियां ने। संगतां आ रही हैं, दर्शन कर दियां, जल पानी प्रशादा पानी जो भी गुरमुख परिवार वालों तैयार है सकते हो, क्योंकि परिवार ने उपराला किया सतगुरों के प्रकाश दिहाड़े नूं समर्पित गुरु दीआं खुशियां लैण वास्ते। ते गुरु दे चरणां च अरदास है कि सच्चे पातशाह गुरमत अनुसार मनोकामनावां पूरियां करन। जिन्हां भावना नूं लैके गुरु दे चरण परसे रब्बी बाणी दे जाप होए है, शब्द कीर्तन गुरमुख प्यारे रागी सिंह साहबाना ने करनाल तो पहुँच के हाजरी भरी है। सत्कारयोग बाबा अमीर सिंह जी जवद्दी टकसाल लुधियाने तो आके उन्होंने हाजरी भरी है। अरदास दे नाल हजूरी जथा गुरद्वारा श्री गुरु ग्रंथ साहिब दादू साहब तो जिन्हें शब्द कीर्तन की हाजरी भरी है, क्योंकि परिवार का हुक्म सी। और साडे हरियाणा सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के सीनियर मीत प्रधान सरदार करनैल सिंह निमनाबाद जिन्हां दे परिवारक संबंध इस परिवार दे नाल उन्हां दा हुक्म को आए बैठे आ। नाल ही साडे सरदार नरवैल सिंह जी अंटा जो हरियाणा सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के भी मैंबर ने, ते साडी हरियाणा कमेटी के धर्म प्रचार कमेटी के भी मैंबर उन्हां नूं बनाया गया। होर भी बहुत सारे सत्कारयोग सज्जन मैं देख लिया जिन्हां नूं चेहरियां तो पछाणदा, नावां दा कई बारी नहीं ख्याल रहिंदा। और साडे पंथ दे महान योधे जथेदार करतार सिंह जी झब्बर, उन्हां दे पोतरे सरदार गुरराज सिंह जी, वह भी इत्थे सुभाईमान ने। होर बहुत सारियां शख्सियतां गुरु दे चरणां च मैं देख रहा करनाल तो वख-वख नगरां तो इत्थे गुरु दे प्यार दे विच। सारे तुसी सरदार भुपिंदर सिंह लाडी प्रधान दे सद्दे ते आए जुड़ बैठे हो, बेअंत संत महापुरख, होर भी बहुत सारे गुरु घर के ग्रंथी सिंह सेवादार, गुरद्वारा प्रबंधक कमेटियां, नगर पंचायतां, वख-वख समाज के वख-वख खेत्रां च सेवा करन वाले, वख-वख धर्मां नाल संबंधित गुरु के प्यार वाले। तुसीं इत्थे चाहे कोई सिख है, मुसलमान है, हिंदू, ईसाई, ब्राह्मण, वख-वख धर्मां नाल भाईचारियां नाल संबंध रखण वाले वीर माई भाई इस समय गुरु के चरणों च पहुंचे हो, जुड़ बैठे हो। मैं बेनती करा, फतेह कोई रस्मी नहीं है, फतेह का बहुत बड़ा महात्म है, विस्तार विच ना जावां। संखेप जी बेनती करा, गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने भाई मनी सिंह नूं बचन बख्शे की उचारिया, भाई मनी सिंह जो को फतेह को बरतांत बरिंद आप मुखारबिंद नाथ जू सुनायो है, गाज के अगारी जो मरगिंद जो बुलाए जो ही राखो सदैव सोहे प्यारो मोहे पायो है, मान तो प्रबोध हुए बराबर है रसीलो बोल दाहने बिठारों सो दीवान बीच आयो है, नैक सी बीमार जो कबूल तो सो बावे अंग पात की पछहो मूंड मुए सो लठायो है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहिंदे भाई मनी सिया जेड़ा सिख नू देख के सिख फतेह बुलाउण दी पहल करदा ना, गज के फतेह बुलाउंदा, उन्हूं मैं सदा अपने सनमुख रखदा, उन्हूं मेरे सनमुख सरूप दे दर्शन हुंदे आ, चेहरे दे दर्शन सतगुर दे सनमुख। जेड़ा सतगुर दा सिख सिख नू देख के फतेह बुलाउण दी पहल करदा, गज के फतेह बुलाउंदा, ते जेड़ा फतेह मान के बराबर उन्नी गर्जवी आवाज विच जवाब दिंदा, क्योंकि कई जवाब भी नहीं देंदे, कई ढिला जिहा जवाब दे देंदे, फतेह गुरु दी है। नाराजगी भावें किसे नाल होवे पर जिहड़ी फतेह आ फतेह गुरु दी आ, ते गुरु दी फतेह दी सांझ आपां हरेक नाल करनी है, भावें दुनियावी किसे नाल गिला शिकवा भी क्यों ना होवे, पर जदों फतेह दी सांझ आ उदों चुप नहीं रहना।
जे किसी ने फतेह की पहल की सतगुर के सनमुख है जिहड़ा गज के जवाब दिंदा फतेह नूं मन के माण तो प्रबोध होवे बराबर है रसीलों बोल दस ने बिठारों सो दीवान बीच आयो सतगुर कहिंदे ओ सदा मेरे सजे हथ उहनूं मेरे सजे पासिओं सरूप के दर्शन होंदे आ सतकार खब्बे सजे का भी फर्क होंदा तुसीं सियाणे आ सजे नूं वध सतकारयोग मन्निया जांदा सजे नूं वध महत्ता दित्ती जांदी है सियाने पुरख अपने तो सत्कार योग दे सजे पासे बैठते नहीं सजे पासे तुरते नहीं और ख्याल करियो जदों किसी नूं कहना हुंदा कहिंदे फलाना फलाने की सजी बाँह आ खबी नहीं कहिंदे आपां खबी बाँह सजी बाँह कहिंदे आ सजी बाँह सजे की महानता है ते जिहड़ा गुरमुख प्यारियो जवाब थोड़ा ढिला दिंदा सतगुर कहिंदे महात्म ते उहनों वी आ पर थोड़ा वह खब्बे पासे रहिंदा नैक सी बीमार सो कबूल तो सो बावें अंग होवे तां तंदुरुस्त पर जवाब ढिला जिहा बीमारां वांगू दवे फतेह दा नैक सी बीमार ज्यो कबूल तो सो बावें अंग सतगुर सच्चे पातशाह महाराज कहिंदे ओह खब्बे पासे है ते तंदुरुस्त पर जवाब ढिला ते जिहड़ा दवे ही ना सतगुर कहिंदे पात की है पापी मनुख है पछाहो उहदे वल मेरी पिठ आ हुण देख लो गुरमुख प्यारियो जे सतगुर दी पिठ हो गई अपने पले की रहा पले है की आ सतगुर दी बख्शिश तो बिना जे सतगुर दी बख्शिश है ते सत सब कुछ पले आ ते जे गुरु दी नाराजगी आ ते फिर पले की आ ये आपां ट्रैक्टर ट्रालियां ते लिखते लेंदे आ बसां कारां ट्रकां ते लिखता लेंदे कदे उहनूं हिरदे च वसाईए लिखते हैं ना आप लिखिया पढ़ते भी हाँ मेरा रुसे ना कलगिया वाला जग भावें सारा रुस जे असी ट्रालिया ते लिखिया ट्रकां मोटर कारा ते बसा ते लिखिया पर केवल लिख मात्र नहीं इहनू हिरदे च वसाउणा है कि ऐसा काम ना हो कोई जिहदे नाल सतगुर की नाराजगी हो जाए पर जदों फतेह का जवाब नहीं देंदे गुरमुख प्यारे उदों सतगुर की नाराजगी ते सतगुर कहिंदे पात की है पापी है पछाहो मेरी पिठ आ उहदे वल मूरख है मुंड मुए सो लठायो है इस करके फतेह का जवाब जदों भी कदे गुरमुख प्यारे फतेह की सांझ अक्सर कोई मिले तो पहल करो ते नहीं ते जे कोई पहल कर जांदा ते बराबर उन्नी गर्जमी आवाज विच जवाब दिओ इन्नी ढिला जिहा जवाब जां वेख के मूँह पासे फेर लो जां समझो रसमी आ कोई नहीं जे फतेह दा जवाब नहीं दिता गया मेरे सत्कारयोग वीर बैठे आ मातावां बीबियां भैणां बैठियां हुण कोई रसना वांझी ना रहे सतगुर सच्चे पातशाह महाराज ने भाई मनी सिंह जी नूं आप फतेह दा महात्म दर्शाया जो मैं तुहाडे नाल सांझा कीता संखेप मात्र इस करके आओ अगलियां विचारां वल वधण तो पहलां आपां फतेह दी सांझ गज के करिए धन गुरु ग्रंथ साहिब नूं सीस झुकाओ ते इक वार मिल के गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह हुण आनंद आया हुण पता लगदा वी गुरसिखां च बैठे फतेह दी सांझ होई आ मैं भावें अक्सर इधर पहलां वी दीवान सजाए आ हुण हरियाणा सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दीआं सेवावां सौंपियां ने पर उस तो पहलां वी आ रमाणी रमाणा नगर है रंभा नगर है करनाल है डाचर मैं बहुत नगर के विच दर्शन ददारे किए धार्मिक दीवान सजाए अमृत संचार किए है तो हुण वड्डी जिम्मेवारी तुसी हरियाणा सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दे देती अज सौंकड़े नगर च इत्थे हाजरी भर रहे हैं तो बड़ी मन नूं खुशी होंदी है सारा इलाका गुरसिखां दा सिख सरदारां दा इलाका है तो अज मैं जदों देख रहा सी अक्सर समागमां दे विच दर्शन करी दे ऐसे इलाके च मैं देख रहा सी जिन्नियां संगतां आ रही हैं बड़े सियाने गुरसिख उन्हां च बहुत सारे ऐसे कोई 315 रफल है कोई 12 बोर दी रफल है किसी ने रिवालवर उत्तों दी पाया तो मैनूं फिरोजपुर का इलाका याद आ गया जिवें 20वीं सदी के महान सिख संत बाबा जरनैल सिंह खालसा भिंडरां वालियां दे नाल फिरोजपुर के इलाके के सिख वड्डी गिणती जिदा हथियारबंद उन्हां दे नाल रहिंदे ते सेवावां करदे आ करनाल दे इलाके च वी अज मैं देखिया सिंघां सरदारां ने शस्त्र जिहड़े आ बड़े संभाले होए ते नाल लैके चलदे क्योंकि बिना शस्त्र के सिंघ नरंग भेट जानो गहे कान ताको कितै लै सधानो इह मोर आग्या सुनो हे प्यारे बिना शस्त्र के सिंघ ना देहो ददारे अस कृपाण खंडो खड़क तुबक तबर यार तीर सैभ सरोही सहथी जह हमारे पीर जिते शस्त्र नामंग नमस्कार तामंग जिते अस्त्र भेंग नमस्कार तेंग
शस्त्रधारी सतगुर ने सानू बनाया शस्त्रधारी। ख्याल करियो कई बार इन्हां शस्त्रां वल देख के ही कहिंदे लो जी शस्त्र क्यों उठाए आ बई शस्त्रां दे नाल भी कई कहिंदे भी इहदे नाल दहशत पैदा हुंदी नहीं गुरमुख प्यारियो शस्त्रां नाल भी शांति आउंदी है। जे शस्त्रां नाल शांति ना आउंदी होवे ते भारत पाकिस्तान दे बार्डर ते सानू तोपां बीड़न की कोई लोड़ नहीं है मशीन गन्ना बीड़न की कोई लोड़ नहीं है। जे शस्त्रां नाल शांति नहीं आउंदी ते दो दिन हटा के देखिए चाइना दे बार्डर तो ते पाकिस्तान दे बार्डर तो असी तोपां नू टैंकां नू मशीन गन्ना नू सानू पता लग के गुरमुख प्यार लग जे साडा रहना मुश्किल हो जाऊगा। जिस तरह के देशों के विवाद पैदा होए आ जिस तरीके दे नाल तुसी देखदे ही आ कदे चाइना वाले कदे इधर पाकिस्तान दे नाल सरहदां दे उत्ते ते साडे नौजवान शहीद होंदे सरहदां दे उत्ते। ये वक्री गल है कि गंदी सियासत है सियासी लोगों दी चालां भी जिन्हां अपनियां कुर्सियां सलामत रखणियां पहलां भी भारत पाकिस्तान की लकीर ही तां पई हजारां लखां लोग संताली वेले असी तो आजादी कहने ना आजाद 15 अगस्त नूं देश आजाद होया आ बजुर्ग बैठे इन्हां नूं पुछो ये नहीं कहिंदे आजादी वाला साल ये की कहिंदे रौले वाला साल रौले वाला क्योंकि वड टोक होई उस समय किन्नियां शहादतां होईयां सियासी लोगों की सियासत दराड़ पई धरती दे अंदर भारत पाकिस्तान बनिया तुहाडे सामने सारा कुछ गुरमुख प्यारे शहादतां कारण की दावेदार दो सी कुर्सी एक सी प्रधानमंत्री दे उधर मुहम्मद अली जना ते इधर जवाहर लाल नहरू प्रधानमंत्री दे कैंडीडेट दो ते कुर्सी एक कहिंदे लकीर मार लो कुर्सियां ही दो बना लो नहीं ते हुण की सिख उधर नहीं रहिंदे जां मुसलमान इधर नहीं रहिंदे की हुण कल्ला पाकिस्तान कल्ला इस्लामिक देश थोड़ी है जां भारत जिहड़ा इह कल्ला हिंदू सिखां दा देश थोड़ी है इधर मुसलमान भरा भी रहिंदे आ उधर सिख ते हिंदू भरा भी रहिंदे आ। सियासत ने बहुत कुछ किया सियासत दीयां वंडियां मेरे नाल तुसीं ज्यादा समझदे हो मेरी तां उम्र थोड़ी है पर तुसी उमरा हंडाइयां ने तुहानूं पता है सियासी रंगां दा जो कुछ होया। मैं बेनती कर रहा सी गुरमुख प्यारियो शांति शस्त्रां नाल भी जे नहीं ते सरहदां तों हटा के देख लीए पता लग जाऊगा। सो मैं इधर देख रहा बड़े सियाने गुरसिख और तैयार बर तैयार शस्त्र धारी शस्त्र उठा के चलते शस्त्र नाल लैके चलते है पर यह जरूर है कि शस्त्र गऊ गरीब की रखिया लई जालम जरवाणे का मूँह तोड़ जवाब देन वास्ते इस नाल किसी गऊ गरीब न किसी मजबूर न तंग नहीं करना ये रखिया करनी स्वैर रखिया तो दूसरे की भी रखिया। ते आओ गुरमुख प्यारियो अज गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह दा महान गुरपुरब मनाया जा रहा है पूरे संसार दे विच किते 10 दिन पहला 10 दिन बाद किते दिन दे दिन हरियाणा सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों वड्डे उपराले किए जा रहे हैं 29 और 3 गुरद्वारा साहब पातशाही छेवीं ते नौवीं चीका जो हरियाणा कमेटी का हैडक्वाटर है उत्थे वड्डी पद्धर ते सतगुरां दा पावन गुरपुरब मनाया जा रहा है। नौवें पातशाह का शहीदी दिहाड़ा आ रहा 23-24 नवंबर न एक दिन विचाले है गुरमुख प्यारियो कल दा और गुरद्वारा थड़ा साहब पातशाही नौवीं झीवर हेड़ी जमुना नगर के अंदर इतों बहुत ही दूर नहीं है उत्थे गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह का शहीदी दिहाड़ा वड्डी पद्धर से मनाया जा रहा हरियाणा कमेटी के वलों अमृत संचार कीर्तन दरबार सो वख वख थावां ते पूरे संसार विच अज आपां सौंकड़े की धरती से गुरमुख परिवार के ग्रह विखे जुड़ बैठे हाँ जिन्होंने वड्डा उपराला किया गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह के महान गुरपुरब नूं मनाउण वास्ते बधाई दे पात्र है। गुरमुख प्यारियो गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह विचारां तुसीं उन्हां दे जीवत बाबत बाबा अमीर सिंह पासों भी सरवण कीतियां थोड़े कु बचना की सांझ करके मैं भी खिमा मंग लैणी फिर रागी सिंह श्री आनंद साहब का सेव पौड़ियां का जाप करनगे फिर आप अरदास जुड़ांगे सतगुरां दे चरणां ते पावन मुख वाक गुरु के कड़ा प्रसाद की देग वरतेगी ते गुरु का लंगर जो परिवार वालों तैयार है समाप्ति उपरंत सतगुरां नूं वधाईगी दे के सारियां संगतां ने लंगर प्रसादा पानी छक के जाना जो परिवार वालों गुरमुखां दे वालों तैयार है। आओ गुरमुख प्यारियो मैं बेनती कर रहा सतगुरु नानक प्रगटिया मिटी धुंद जग चानण हुआ
सतगुर धुर दरगाहों सतगुर प्रगट होए है। जदों आए उदों पापां दी धुंद पई होई सी, प्रगट होए है सतगुर सच्चे पातशाह। प्रगट वह चीज़ होंदी जिहड़ी अलोप होवे प्रगट हो गई, जिहड़ी चीज़ जमदी वह मर जाती है, जिहड़ी उपजदी वह बिणस जाती है, जिहड़ी बणदी वह टुट जाती भज जाती है। तो ख्याल करियो जिहड़ा जमया वह तो मर गया, जिहड़ा जन्मेगा वह मरेगा। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह प्रगट होए है, सतगुरु नानक प्रगट आ। ते जेड़ी जोत गुरु नानक दे रूप च प्रगट होई गुरमुख प्यारियो ध्यान दियो मुड़ के संसार तो गई नहीं। जेड़ी जोत गुरु नानक दी प्रगट होई वह दस जामिया च वरतण तो बाद अज धन गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह च सुभाए मान है। गज के आखो सतनाम। एक बार फिर सारी संगत रसना सफली करियो, कोई रसना वांझी ना रहे। गज के आखो सतनाम। गुरु नानक किते गए नहीं, गुरु नानक दे रूप जिहड़ी जोत प्रगट होई ना वह दस जामिया च वरतन तो बाद अज गुरु ग्रंथ साहब विच आत्मा ग्रंथ विच शरीर पंथ विच बचन असी पढ़ते सुनते हैं। तो ख्याल करियो गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह प्रगट होए, धुर दरगाहों सतगुर, पापा की धुंद पई हुई सी मिटी धुंद। जग चानण होवा ज्ञान का चानण, अग्ञानता की धुंद पापा की धुंद खत्म कर ज्ञान का चानण प्रगट किया गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने। तो उस वेले ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोवा, उस वेले गुरमुख प्यारे जदों गुरु नानक साहब प्रगट होए, जदों सूरज निकलदा रात वाले तारे होंदे ते आकाश विच ही है पर दिसदे नहीं, छिप जांदे सूरज दे चानण दे सामने, सूरज दे प्रकाश दे सामने उन्हां तारियां दा प्रकाश चानण मध्यम पै जांदा। बड़े पीर पखीर सन दुनिया ते, बड़े औलिए अवतार सन, पर जदों गुरु नानक साहब प्रगट होए उन्हां दा चानण मध्यम पै गया। जिवें टटैणा जिवें दीवे दी लाट मोमबत्ती दी लाट वह सूरज दे चानने सामने की औकात रखती है। ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोवा, सिंह बुके मृगावली भन्नी जाए ना तीर धरोवा। जदों गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह प्रगट होए तो ऐसी सिंह गर्ज गुरु नानक दी जिवें जंगल दे अंदर जदों शेर दहाड़दा है ना, शेर गरजदा, जिन्हें पशु पंछी घोरनियां च वड़ जांदे आ, घबराहट पैदा हो जाती उन्हां दे अंदर, डर के घोरनियां च आलणियां च वड़ जांदे आ पशु पंछी। जिहड़ी गुरमुख प्यारियो हिरनां दी डार हुंदी उहनूं भाजणा पै जांदियां, सिंह बुके मिरगावली हिरनां दी डार भन्नी जाए ना तीर धरोवा। जदों गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह प्रगट होए ते जिहड़ियां हिरनां दीआं डारां सी भज लईआं गुरमुख प्यारियो, गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह एक सच दा होका, एक सच दा चानण, सच दा सूरज गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जिन्हां दा प्रकाश दिहाड़ा तुसीं मना रहे हो। भाई गुरदास जी ने भी कह दिता गुरमुख कल विच प्रगट होवा, कलयुग दे अंदर जदों कल काती राजे का साई धर्म पंख कर उड़ रहा, कूड़ मावस सच चंद्रमा दीसा ना ही कह चढ़िया। जदों सच काल कूड़ वरतिया कल कालख बेताल, बीओ बीज पत लै गए अब क्यों उगवै दाल। उस वेले गुरमुख प्यारे गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह संसार ते प्रगट होए। गुरु नानक ने ऐसा ज्ञान दा चानण वंडिया, ऐसा प्यार दा चानण, नहीं तो उस वेले खै मरदे ब्राह्मण मौलाने, उस वेले अपने धर्म नूं चंगा दूजे धर्म नूं माड़ा, अपने धर्म ग्रंथां नूं चंगा दूजे धर्म ग्रंथां नूं माड़ा, अपने धर्म स्थानां नूं चंगा दूजे धर्म स्थानां नूं माड़ा कह के भंडिया जा रहा सी। उस वेले मुगल दा राज ते ओह गुरमुख प्यारे मंदरां नूं ढा के ते उस जगह ते मस्जिदां दी उसारी, ऐसा भी उस वेले दा वरतारा गुरमुख प्यारे भाई गुरदास जी ने जिक्र किया। भाई गुरदास जी दियां वारां पढ़िए तो पता लगता, पर मेरे गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने प्यार दा होका, एक भाईचारे दा, एक सांझी वालता दा उपदेश सतगुर ने सारियां नूं आख्या, धर्मां दे नां ते ना लड़ो, धर्म स्थानां दे नां ते ना लड़ो, धर्म ग्रंथां दे नां ते ना लड़ो, अपने धर्म विच परपक होवो, दूजे धर्मां दा सत्कार करो, माण करो।
इस तरीके ना गल नहीं चलनी। आप देख लो गुरमुखो, असी चाहिए असी सोचिए भी साढ़े बापू नू जी जी कहे कोई, असी दूजे दे बापू नू गालां कढ़ीए ते साढ़े नू जी कौन कहूगा? दसो बई, जे दूजे दे बजुर्ग बजुर्ग नू माड़ा आखांगे गालां कढ़ांगे ते साढ़े बापू बजुर्ग नू किने सत्कार करना, किने गोडियां थलाउणे, किने पैरियां थलाउणे है? जे असी चाहुंदे साढ़े बजुर्ग दा साढ़े बापू दा सत्कार होवे ते सानू दूजे दे बापू नू भी सत्कार देना पऊगा। दूजे धर्म ग्रंथ धर्म स्थान जिन्हां दे है मुबारक उन्हां नू, गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ने भी यही कहा जदों बहादुर शाह की मदद की थी, औरंगजेब के पुत्र की राज भाग दवाया तो उन्हें अपने महलों च सतगुरु नू बुलाया, निमंत्रण दिता, सदा पत्र सच्चे पातशाह मेरे महलों च आओ चरण पाओ। तो जदों सतगुर सच्चे पातशाह गए साही सन्मान किया, पर जिहड़े कट्टड़वादी सी उन्होंने सोचा कि बहादुर शाह की मित्रता गुरु साहब नाल, ये मुसलमान ते सिख दा मिलाप, जेड़े कट्टड़ सन उन्होंने गुरमुख प्यारियो सतगुर दे नालों तोड़ विछोड़ा करना चाहिया बहादुर शाह दा। बड़े सवाल किए, कई तरह के सवाल सन। एक कहन लगे जी तुसी पैगंबर अपने धर्म दे ते इस्लाम च जिहड़ा करामात दिखाए उन्हूं पैगंबर मन्निया जांदा, अवतार मन्निया जांदा, तुसी पैगंबर हो कोई करामात दिखाओ। ते बहादुर शाह ने जो उन्हां मौलवी मुलाणिया ने कहा, बहादुर शाह ने गुरु अगे कह दिता सच्चे पातशाह नूं, महाराज कोई करामात दिखाओ। ते मेरे सतगुर सच्चे पातशाह महाराज ने बहादुर शाह वल बादशाह वल इशारा करके आख्या उन्हां सारे दरबारियां नूं, महाराज कहिंदे ज्यौंदी जागदी करामात बैठी है तुहाडे सामने, ये बहादुर शाह करामात है, बादशाह करामात है। वह बड़े हैरान होए, कहिंदे जी बादशाह करामात? कहिंदे हाँ, ये अपने राज विच किसे नूं चाहे हुक्म करके फाहे ला दे ते चाहे किसे नूं फाहे तो हटा के उन्हूं जान बख्श देवे, बादशाह करामात होंदा। बादशाह कोले पावर होंदी है, स्टेट दा सीएम होंदा ना, इहदे कोल भी पावर होंदी है। गुरमुख प्यारिओ सरकार कोले, मुख मंत्री कोल भी पावर होंदी है, ये किसे दी सजा माफ कर सकदा है? सजा माफ करन दी, किसे नूं जेल चों गुरमुख प्यारिओ रिहा करवाउणा होवे करा सकदा है। ये वक्री गल है कि अज वरतारा इदां दा, अज होर पासों ध्यान नहीं हटदा, पावर इदां दी नहीं वरतदे, करप्शन ते पावरां ज्यादियां वरतियां जांदियां ने, कुर्सी सलामत रखने लई पावरां वरतियां जांदियां, भले वास्ते बहुत घट ने लोग जिहड़े अपनी पावर नूं इस्तेमाल करदे, अपनी ताकत दा इस्तेमाल करदे आ। राष्ट्रपति पावर रखदा गुरमुख प्यारिओ, आ देखो पिछले समय भाई बलवंत सिंह राजोवाणा नूं फांसी दा ऐलान होया सी, कहिंदे 31 मार्च नूं फांसी चाढ़ देना, अदालत दा कोर्ट दा हुक्म है, ते सारी कौम सड़कां ते आई, संसार दे विचों आवाज़ उठी कि बहुत धक्का है, ते दोहरी सज़ा, एक पासे उम्र कैद कटाती, उम्र कैद तों वध कटाती, दूजे पासे फिर फांसी, फाहा। फिर राष्ट्रपति दे ऑर्डर चले सन, राष्ट्रपति ने गुरमुख प्यारिओ कोर्ट दे आर्डरां नूं जिहड़ा सी गुरमुख प्यारिओ बदल दिता। 8 साल का समा हो गया गुरमुख प्यारिओ कहिंदे 31 मार्च नूं फांसी ला देना, 31 मार्चा 8 होर लंघ गईयां, सिंह चढ़दी कला च बैठा, बादशाह करामात है। हुण थोड़ा वोटिंग सिस्टम है, वोटिंग तरीके ना, पर फिर भी उन्हां कोले पावर है, ते ख्याल करना सतगुर सच्चे पातशाह कहिंदे भाई ये बादशाह करामात है, ये किसे नूं राज च फाहे ला दे, किसे नूं फाहे तों बख्श देवे। कहिंदे महाराज असीं तुहाडे तों वेखणा चाहुंदे करामात। सतगुर ने सोने की मोहर कढ़ी हथेली ते रख ली गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ने, ते मेरे कलगियां वाले पातशाह कहिंदे आ भी करामात है, धन दौलत पैसा ये करामात है। कहिंदे जी किस तरह? सतगुर कहिंदे इहदे करके कोई अपना दीन ईमान वेच भी दिंदा, ते इहदे नाल किसे दा दीन ईमान खरीद भी सकदे आ। पैसे करके किसे नूं खरीद लो ते पैसे करके कोई अपना दीन ईमान वेच देवे, सतगुर कहिंदे पैसा भी करामात है, धन करामात है, दौलत करामात है। कहिंदे सच्चे पातशाह ही ते तुहाडे कोलों देखणी है। जो तीजी बार फिर आख्या मेरे सतगुर ने 3.5 फुटी तलवार गात्रे पाई सी ते फड़ी सतगुर सच्चे पातशाह ने मुठे तो ते धू के शर्र कर दी, तलवार बाहर कढ ली म्यान चा,
जदों एकदम कृपाण बाहर आई ना इदा अद्धे मौलवी मुलाने तो पछाण ही जा पे भी बाजा वाले नूं गुस्सा आ गया हुण नहीं बंद खलासी होनी हुण नहीं जान बख्शी जानी बाजा वाला लाऊ गाटा इत्थे ही साडा कढ ली म्यानों बाहर गुस्सा खा गए गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जोश च आ गए आ पर नहीं सतगुर कहिंदे भाई इह वी करामात है शमशीर आ तलवार करामात है महाराज कहिंदे 14 जंगा जितियां इस तलवार दे नाल मैं खग खंड बेहंडंग खलदल खंडंग अतरण मंडंग बर भंडंग भुज दंड अखंडंग तेज प्रचंडंग ज्योति मंडंग भान प्रभंग सुख संता करनंग दुरमत दरनंग किलवे खरनंग असरनंग जय जय जग कारण सृष्ट उबारन मम प्रत पारन जय तेगंग सचे पातशाह कहिंदे करामात है इहदे नाल जंगा जितियां ने तलवार दे नाल रहो विचार सतगुर सचे पातशाह महाराज तो करामात वेख के ना ते कहिंदे फिर बादशाह नूं बहादुर शाह नूं मौलवी मिलाने कहिंदे भी बाबा इदां तां गुरु साडियां गल्लां च फसिया नहीं ऐस गल च वसाओ इन्हां नूं पुछो भी तुहाडा धर्म चंगा कि साडा धर्म चंगा उन्हां सोचिया भी जे सतगुर इस्लाम नूं चंगा कहणगे ते अपने आप अपने धर्म नूं छोटा कह देणगे साडा धर्म वड्डा ते जे सलाम नूं माड़ा कहणगे आपे बादशाह नाल फर्क पै जूगा भी इह अपने धर्म नूं चंगा ते साडे धर्म नूं निंददे आ जदों गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज नूं इह सवाल कीता ना बहादुर शाह ने कहिंदा महाराज धर्म तुहाडा चंगा कि साडा हुण कलगियां वाले पातशाह नूं कौण समझाए सारियां विद्या च निपुण गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह सारियां विद्या पढ़े हुए वाह प्रगटियो मरदे गंबड़ा बरियाम अकेला वाहू वाहू गोबिंद सिंह आपे गुर चेला जिन्हां बारे दुनिया के विद्वानों ने आखिया कोई सिख विद्वान कहे तो कह सकते अपने गुरु के सिख अपने गुरु की महिमा करते अपने गुरु के सिख अपने गुरु की महिमा करते चार कहानियां कोलों भी जोड़ लेंदे होणगे जिवें अजकल आपां देखदे पखंडवाद का बड़ा फैलारा है थां थां ते गुरु बने बैठे है घर घर होए बहे हैं रामा ते उन्हां दे चेले बड़ियां कहानियां बना लेंदे आ बहुत कहानियां मैं सांझियां करदा हुंदा आ डेरे वाला जिहड़ा सुनारिया जेल बैठा ना हुण रोहतक गुरमुख प्यारे उहदे चेले कहिंदे कि इक बदाने का बाटा भरिया सीगा आपां बूंदी बदाना कढ लैंदे आ ना लड्डू बनाउण वास्ते भी ते कहिंदे इह बाबे साडे ने हथ लाता हजारां बंदे सी उहनां च वरत गया कि मुक्कण च ही नहीं आया कहिंदे बदाने का बाटा हजारां च वरत गया इहो जिहियां कहानियां देखो एवें गुरमुख प्यारे मैं कहा कमाल है इन्ना झूठ मेरी जिरा हो जांदी सी पिछले समय के अंदर बथेरे उतरा चढ़ा आए तुहानूं पता ही है बड़ियां जेलां मुकदमे भी देखने पए क्योंकि साडे उधरों पंजाब की सरकार बादल साहब बड़े मेहरबान सी वोटां मंगदे सी उन्हां को 10 साल राज रहा उन्हां दा ते डेरे हाजरी भरदे सी डेरे वाला जिवें कह दिंदा उदां ही कर दिंदे सी साडे ते मुकदमा चलो जेल परवाह असी भी नहीं मन्नी गुरु की कृपा ना ना मुकदमियां की गिणती ना जेलां की गिणती छड़ी कोई नहीं जिहड़ी नहीं विखाई उन्होंने पर गुरु के सिद्धांत ते खड़े रहे रिजल्ट अज तुहाडे सामने जिहड़ियां गल्लां मैं 97-98 च कहिंदा सी अज सारी दुनिया कहन लग पई ते रिजल्ट तुहाडे सामने आ अज CBI की कोर्ट ने भी कह दिता भी एक करमी आ ते कातल आ पहला 10-10 साल की सज़ा कुकर्मा च होई ते फिर गुरमुख प्यारियो कतल च उम्र कैद होई अजे केस पेंडिंग पे एक कतल केस पिया सैकड़े श्रद्धालु नपुंछक कीते वह केस अजे पेंडिंग पिया ते हुण बरगाड़ी बेअदबी कांड च भी नामजद करता जिहड़ी पंजाब च बेअदबी होई 2015 च उहदे पैरोकारां कीती जिहड़े फड़े गए जिन्हां ने मन्निया एफीडेविट दित्ते कोर्ट दे विच भी हाँ सानू डेरे तों हुक्म आया ते असी इह काम कीता गुरमुख प्यारियो दे कहे दे उत्ते ये सारा कुछ करते तो उन्होंने चेले मैं बेनती कर रहा सी कहिंदे अखे बदाने का बाटा बूंदी का बाटा अखे हथ लाता तो हजारां लोगों च वरत गया मुकया नहीं मैं कह झूठ आ कहिंदे किवें मैं कह लियाओ एक छड़ के दोवें हथ लियाओ साडे को सिंह इदां दे आ एक नहीं बाटा मुका देना गज के आखो सतना मैं कह एक छड़ के दोवें हथ लवा के लियाओ एक सिंह नहीं फतेह कर देना बनाइया कहानियां इदा दियां वे कहानियां बना लैनिया हुण भी बथेरिया तुसी देखियो आने वाले समय लिखी जांदे आ बना देनिया इन्हां ने कहानियां
आ तुहानू भी सुनाया करनगे कहणगे जदों साडे पिता जी पंचकूले वाला युद्ध हार गए ते उन्हां नू सुनारिया दे किले च बंदी बना के रखिया गया। बना लैणियां कहानियां इन्हां ने कि पिता जी जदों पंचकूले वाला युद्ध हार गए। दसो ऐदां दीआं कहानियां बनाउणगे, बना लैंदे आ, बहुत बनाईयां गुरमुख प्यारे पिछले समय के अंदर। वो तो अजे भी नहीं मनते, कई तो अजे भी कहिंदे साडा बाबा ते सुधार करन गया आखे, उत्थे दुनिया नू तारन गया आखे, उत्थे सचखंड बनाता जी। तरह तरह दीआं गल्लां तुहाडे सामने आ, पर उहो विचार मैं बेनती कर रहा गुरमुख प्यारे पखंडियां दी गल नहीं, जिहड़ा सच्चा सतगुर है उहने ते पहरावा ही पाया सी। गुरमुख प्यारे तुहाडे सामने रिजल्ट की आ, अज कि हालातों चो गुजरना पै रहा, नरक स्वर्ग सतगुरां बाणी च लिखे आ, कई तो इत्थे ही वेखने पै जांदे, इत्थे ही नाल दी नाल जैसा बीजा सोलना करमा संदड़ा खेत आ तुहाडे सामने आ। पर उहो विचार मैं बेनती कर रहा सी, गुरमुखो बहादुर शाह दे दरबार च गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं कहिंदे दसो धर्म तुहाडा चंगा कि साडा चंगा। असी कई बार इन्हां गल्लां च फसे, गुरमुख प्यारे दूजे धर्मां नूं माड़ा, किसे धर्म नूं माड़ा नहीं कहना कदे, सारे धर्म सत्कार योग है, धर्म स्थान सत्कार योग है, गुरमुख प्यारे धर्म ग्रंथ सत्कार योग, जिन्हां च धर्म की गल है। हाँ, पखंड के खिलाफ साडा बाबा भी ते असी भी, पखंड नूं ना साडे बाबे ने तरजीह दित्ती ना आपा दिने, पखंड के खिलाफ वहमां भरमां के खिलाफ जिहड़े लोगां नूं गुमराह करदे आ उहनां दे खिलाफ। गुरु नानक साहब गए ना लाहौर दे, बार बार लंघ रहे सन सुबह दा अमृत वेला, एक आया ब्राह्मण, उन्हें गुरमुख प्यारे जिस वेले वो ब्राह्मण आया उन्हें आके पहला गोहे का पोचा फेरिया, फिर कख बछाए, फिर उत्थे बह गया, सामने लोटा रखता, अखा मीट लिया, कुछ मंत्र जपन लग गया, लोग आन लग गए, लोटे च गड़बे च पैसे पाई जान बैठी जान, मंत्र पढ़ी गया, कदे कदे अखा खोल गड़बे वल वेख लिया करे। गुरु नानक साहब कहिंदे ओ देख ला मरदानिया की हो रहा है, आ देख किवें वहमा भरमा च पाया लोगों नूं पखंड नाल लुट रहा। कहिंदा बाबा मैनूं समझ नहीं आई, सतगुर कहिंदे कोई नहीं आ जांदी है, सतगुर भी जा बैठे लोगों के मगरले पासे, ते जो थोड़ा जा समा लंघिया गुरमुख प्यारे बाबे ने कला वरताई, ते जिहड़ा लोटा सी गड़वा सी पैसे वाला सामने लोप हो गया, ते जदों उहने अखां खोलियां देखिया मंत्र विच ही भुल गया, कहिंदा लोटा कित्थे आ मेरा, जिहड़े सामने बैठे कहिंदे असीं तां देखिया नहीं, इत्थे ही पिया सीगा, कहिंदा मेरा लोटा दिओ गड़वा दिओ पैसों वाला। जदों उत्थों गुरमुख प्यारे सारी ये गल सुन के तुर पे, गुरु नानक बैठे रहे, बाला मरदाना बैठे आ, ते कहिंदा फकीरो तुसी मेरा लोटा देखिया? गुरु नानक साहब कहिंदे कमाल करदा, हुणे कह रहा लोगों नूं तिना लोगों की सोझी है तैनू, तेरा लोटा गड़वा कदे तिना लोगों तो परे थोड़ी चले गया। सतगुर कहिंदे ला जरा कनीज हुण नक फड़, आंट सेती नाक पकड़े सूझते तिन लोग, गुरबाणी च बचन उचारिया सतगुरां गुरु ग्रंथ साहब च पढ़ते हैं आपां। उस वेले सतगुरां शब्द उचारिया सी, काल नाही जोग नाही नाही सतका ढब था नष्ट जग, भ्रिष्ट हुए डूबता इव जग, कल मैं राम नाम सार, अखी ता मीटे नाक पकड़े ठगण को संसार। आंट सेती नाक पकड़े सूझते तिन लो, मगर पासै कछ ना सूझै इहो पदम लो। गुरु नानक साहब कहिंदे हुणे तां तू कहिंदा सी तिना लोकां दी सोझी है, जदों मैं अखां बंद करके ते आंट नाल भाव इक अंगूठा ते उंगल दे नाल नक फड़दा ते मैनूं तिना लोकां दी सोझी हो जांदी है। ते महाराज कहिंदे फड़ नक हुण मीट अखां ते देख गड़वा कित्थे आ, देख लोटा कित्थे आ। ढह पिया चरणा ते कहिंदा बाबा मैनूं पता तुहानूं गड़वे दा पता, मैनूं दस दिओ। सतगुर कहिंदे सच दस। ढह पिया चरणा ते कहिंदा बाबा कोई तीन लोग नहीं सोचदे ते लोगों नूं गुमराह करदा, स्वांग देख कर पूजत राजा, पखंड नूं वेख वड्डे वड्डे राजे पूजदे आ, देखदी आ तुसीं किन्नियां गड्डियां लाल बत्तियां वालियां जाके डेरे खड़दियां सी, उधरों पंजाब वाले आए, उधरों हरियाणे वाले आए, उधरों राजस्थान वाले आए, किवें हूटर वजदे जांदे सी, हुण कित्थे गए गुरमुख प्यारे, हुण नहीं जांदियां गड्डियां। राजे लोग भी पूजते स्वांग नूं पखंड नूं चार वोटां दी खातर भी वोटां लै लवांगे, पर उहो विचार गुरमुख प्यारे गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह कहिंदे भलिया पांडिया
तू तो कहिंदा तिना लोकां दी सोझी तैनूं हुंदी आ, तिना लोकां चों किते गड़बा परे नहीं गया, देख हुण कित्थे आ तिना लोकां जी आ। ढह पिया कहिंदा चरणा ते कह कहिंदा बाबा मैनू तिना लोकां दी सोझी नहीं, मैं ते अपना रोटी पानी चलाया, तोरी फुलका चलाया, मैनू कोई तिना लोकां दी सोझी नहीं, मैं ते पखंड करदा। गुरु नानक साहब कहिंदे फिर पखंड माड़ा ही पांडिया, पखंड ना कर। वहमां भरमां च लोगां नूं पा के लुटदा, कोई किरत कर ला, किरत करो, नाम जपो, वंड छको, दा सतगुरु ने उपदेश दिता। कहिंदा नहीं महाराज दसो मैनू सच्चे पातशाह मेरा गड़बा है कित्थे, सतगुरु कहिंदे मगरले पासे ही पिया, देख ला मगर ही पिया। कहिंदा तिना लोगां दी सोझी आ, मगर पिया तेनू गड़बा दिसदा नहीं, लोटा तेनू रुपइयां वाला दिसदा नहीं, मगर पाछा कछु ना सूझा। इहो पदम लो लोगां नू गुमराह करदा रहो विचार गुरमुख प्यारो, वहमां भरमां पखंडां दे खिलाफ साडे सतगुर सच्चे पातशाह ने उपदेश दिता। असी वहमां भरमां पखंडां दे खिलाफ हाँ, पखंडियां दे खिलाफ हाँ, पर असी धर्म के खिलाफ नहीं किसे दे होना, ना धर्म के खिलाफ बोलना, ना धर्म के खिलाफ सोचना, ना किसी धर्म स्थान, ना धर्म ग्रंथ। सारे भाईचारा बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोह पाई, ना को बैरी ना हे बगाना, सगल संग हम को बनियाई। कोई हिंदू वीर है, कोई मुसलमान है, कोई ईसाई है, कोई बोधी है, कोई जैनी है, कोई सिख भरा, सारे परमात्मा दे अव्वल अल्लाह जो नूर उपाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले को मंदे। जन्म तो कोई माड़ा नहीं है, जन्म तो कोई चंगा नहीं है, कर्म करके कोई माड़ा ते कर्म करके चंगा, माड़े कर्म करने वाला माड़ा, चंगे कर्म करने वाला चंगा। सनातन मत दे ग्रंथा च भी लिखिया जन्म जाति सूदरंग संस्कार आदि जुजते वेदा अभ्यास वेदा प्रेम ब्रह्म जनंती ते ब्राह्मण, संस्कृत दे श्लोक भी है। वह कहिंदे जन्म तो सारे ही सूदर है, मां की रगत पिता विद धारा, माता पिता दे संबंध तो पैदा होंदे है, किस चीज तो पैदा होंदे है देखो। ताही ब्राह्मण नूं आखिया बाबा कबीर साहब कहिंदे तू कहना भी मैं ऊच हाँ, बाकी नीच है, शूदर है, वैश है, खतरी है, मैं ब्राह्मण हाँ। ते बाबा कबीर साहब ने नगारे दी चोट ते आख्या सी जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया तो आन बाट काहे नहीं आया, जेड़े राहे मां दी कुख तो संसार पैदा होया उसे राह तू आया, जां तां मां दी वखी पाड़ के पैदा हुंदा ते असी मन लैंदे तेरा संसार ते आउण दा रस्ता वखरा, ते तू तां करके ब्राह्मण है उच्ची जाति दा, जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया तो आन बाट काहे नहीं आया। बाबा कबीर साहब कहिंदे नहीं, जिस रस्ते संसार आया मां दी कुख तो उसे राह तू आया, सब परमात्मा अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले को मंदे। जन्म तो गुरमुख प्यारो सारे सूदर, संस्कार आदि जिजते भाव ब्राह्मण ताई, ब्राह्मण की है, ब्रह्म बिंदै ते ब्राह्मण, जेड़ा ब्राह्मण बिंददा ब्राह्मण जानदा, ब्रह्म बिंदै ते ब्राह्मण जे चलने सतगुर भाए, जिन्हों ब्रह्म का ज्ञान जेड़ा ब्रह्म वर्गा हो गया, ब्रह्म वर्गा मन, ब्रह्म वर्गी विचार, सो कहिए ब्राह्मण। ते आख्या जेड़ा ब्रह्म नूं जानदा वह ब्राह्मण है। जन्म तो कोई माड़ा चंगा नहीं, ना धर्म करके, ना हिंदू है बुरा, ना मुसलमान है बुरा, बुराई है जिनके दिल में वो इंसान है बुरा। जिदे अंदर बुराई आ गई ना, वह किसे धर्म च पैदा हो, किसे धर्म का लिबास पाई फिरे वह चंगा नहीं है, किसे धर्म च होवे भावे। गुरमुख प्यारे चाहे वह ब्राह्मण धर्म च पैदा होया होवे दीवान झूठा नंद, चाहे वह गंगू ब्राह्मण गुरमुख प्यारे हो, ते ख्याल करे उन्हूं चंगा कहांगे नहीं, उन्हें अपने धर्म नूं भी लाज लाई, ते ख्याल करे गुरमुख प्यारे हो जिहड़ा चंगे काम करना, हिंदू है बुरा, ना मुसलमान है बुरा, बुराई है जिनके दिल में वो इंसान है बुरा। ते विद्वान कहिंदा जन्म करके धर्म करके कोई चंगा नहीं, कर्म करके चंगा, धर्म ते सारे महान है। त्यो की कहिंदा विद्वान कहिंदा ना हिंदू है चंगे, ना मुसलमान है चंगे, चंगियाई है जिनके दिल में वो इंसान है चंगे, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बोधी है, जैनी है, कोई फर्क नहीं। आओ मैं विस्तार विच ना जावां, दो शब्दों के नाल फतेह की सांझ करांगा, खिमा मंगांगा, समा काफ़ी हो चुकिया, भावें तुसीं बड़े प्यार नाल बैठे हो, स्रोते बन के मैं देख रहा, हुण आवाजाई भी रुकी है तुहाडी, बड़े प्यार नाल बैठ के सुन रहे हो,
मैनू लगता अद्धा घंटा घंटा होर भी ला दें तो तुम सुनोगे पर समा इजाजत नहीं दिता। हाँ समा जेड़ा गुरमुख प्यारे ज्यादा नहीं विस्तार दे विच अगे भी एक जगह ते प्रोग्राम दिता हुआ है उस जगह ते भी दर्शन करने हैं जाके गुरमुख प्यारे हो इस करके मैं बेनती करा सारिया संगतां प्यार दे नाल जिहड़ी विचारां दी असीं सांझ कर रहे उहनूं हिरदे च वसाउणा अज गुरु नानक साहब दे गुरपुरब ते जुड़ बैठे हाँ मना रहे हैं सतगुरां दे पुरब नूं समर्पित समागम ते गुरु नानक दीयां सिखियावां जो सांझी वालता सरबत दे भले दा उपदेश दिता गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने उहनूं हिरदे च वसाईए। कोई धर्म माड़ा नहीं कोई धर्म ग्रंथ माड़ा नहीं कोई धर्म स्थान माड़ा नहीं अपने धर्म च पक्के होना दूजे धर्मां दा सत्कार करना वहिमा भरमा पखंडा ते पखंडियां तो रहत जिन्हां ने गुरमुख प्यारो कोई देवी देवत्यां दी पूजा करदा है हिंदू वीर ब्राह्मण मुबारक उहनां नूं कोई मुसलमान वीर है पंज वक्त दा नमाजी मस्जिद जांदा मुबारक है पर असीं सिख हां ते गुरद्वारा साहब धन गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह सिख किसे मड़ी कबर दा पुजारी नहीं किसे देह दा पुजारी नहीं सिख नूं ते हुक्म है सब सिखण को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब दे लड़ लाया सानू साडे सतगुरु ने इस करके असीं गुरु ग्रंथ साहब दे सिख हां गुरु ग्रंथ साहब दे लड़ लगना वहिमा भरमा पखंडा तो रहत होना अपने धर्म च पक्के दूजे धर्मां दा सत्कार गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने सानू उपदेश बख्शिया ते गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ने उस वेले पता की बचन किया जदों बादशाह रंगजेब कट्टड़ मौलवी मलाणिया दे कहण ते बोलिया कि महाराज धर्म तुहाडा चंगा कि साडा सानू दसो तां मेरे बाजां वाले सतगुर ने बड़ा प्यारा जवाब दिता हिरदे च वसा लियो सतगुर कहिंदे तुमको तुम्हारा खूब हमको हमारा खूब गज के आखो सतनाम एक बार फिर सारे गज के आखो सतना गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहिंदे तुमको तुम्हारा खूब हमको हमारा खूब तुहाडा धर्म तुहानू मुबारक साडा सानू मुबारक क्यों एक दूजे नू बड़ा छोटा कहिए पुछण गल ईमान दी काजी मुल्ला इकट्ठे होई वड्डा सांग वरताया लख न सके कुदरत कोई पुछण खोल किताब नो हिंदू वड्डा के मुसलमान होई ते बाबा आखे हाजियां सुबह अमलां बाजों दोनों रोई जे सोभे अमल ही नहीं हिंदू अते मुसलमान दरगाह अंदर लैन न ढोई सतगुर कहिंदे सोभे अमल चाहिए की आख्या सतगुर ने दो हिस्सों च सारे रसना सफली करियो फिर फतेह की सांझ भी करांगे कोई रसना वांझी ना रहे उदास दे नाल पहला दास बोलेगा फिर सारे वीर भाई माई सारे एक सुर एक आवाज विच रसना सफली करनी है गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने जिहड़ा जवाब दिता बाबा आखे हाजियां सोभे अमलां बाजों दोनों रोई सारे हाजरी लवायो नाले हुण पता लग जाना किन्नी आवाज गर्जमी दे विच तुसीं हाजरी लवाउंदे गुरु दीयां खुशियां लैंदे हो की आख्या मेरे बाबे ने सोभे अमलां बाजों जी दोनों रोई सोभे अमलां बाजों जी दोनों रोई सोभे अमलां बाजों सोभे अमलां बाजों जी दोनों रोई सोभे अमलां बाजों जी दोनों रोई बाबा आखे हाजियां बाबा आखे हाजियां बाबा आखे हाजियां बाबा आखे हाजियां सोभे अमलां बाजों जी दोनों रोई सोभे अमलां बाजों जी दोनों रोई
धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने जवाब दिता सोभे अमलां बाजो दोनों रोई आखिया तुहाडे कोले सोभे अमल नहीं है तुसी धर्मी कहाउंदे हो धर्म पल्ले नहीं है इस करके दोनों रोई ते जे अज बाबे नूं पुछीए इही गल माफ करियो जे अज बाबे ने जवाब देना होवे ना ते गिणती अपनी बाहर नहीं रहनी बाबे ने कहना सोभे अमलां बाजो तिन्नों ही रोई अज जिहड़े हालात साडे आ गुरु घर छड्ड के मड़ियां कबरां दी पूजा देहां दी पूजा कन्नां च फूकां मरवाउंदे फिरदे आ देहधारियां कोले किसे ने अडंबर ज्यादा वड्डा डेरा बना लिया वड्डे ज्यादा पैमाने च पैरोकार बना ले ते बस साडे हालात जे गुआंढी चले गया हिताए दी धी चली ते मैं क्यों रहां कल्ली मैं पिछे कानू रहना चल बाबे तो नाम दबाव लियावां ते आपां वी तुर पैंदे फिर जाके कन्नां बाटी कुर तूं मेरा चेला ते मैं तेरा गुर एक गल हौली जी ना कह देंदे आ सानू सुनदी नहीं जिहड़े जांदे आ ना वह भी सुन लिया कर जदों कन्न च फूक मार के पखंडी गुरु कहिंदे ना कन्ना बाटी कुर तू मेरा चेला मैं तेरा गुर ते हौली जी ना कहिंदे कढ़न पाउण नू साडे च कुछ नहीं बस गाहां नू तुर गज के आखो सतना कढ़न पाउण नू है नहीं कोई जे हुंदा ते हुण सुनारिया जेल थोड़ी बैठे होना सीगा जिहड़े लखां हजारां पैरोकार सी अज किधर गुरमुख प्यारिओ दसो दो महीने का कोई मुलाकात नहीं गया दो महीने घर दे भी नहीं गए जेडे कहिंदे है 6 करोड़ पैरोकार माफ करियो पखंड ते पखंडी हुंदा सच्चाई सच्चाई है इस करके धर्मी बनो चाहे कोई हिंदू है मुसलमान है सिख है ईसाई है बोधी है जैनी है अपने धर्म च पक्के दूजा धर्म मुबारक उन्हां नूं उन्हां दा वहमा भरमा पखंडा तो रहत होना खंडे बाटे दा असीं जिहड़े गुरसिख हां खंडे बाटे का अमृत छक के धन गुरु ग्रंथ साहब दे लड़ लगना मुसलमान मुसलमान बने ब्राह्मण ब्राह्मण ईसाई ईसाई साडा सिखां दे घर दा जन्म है असी पतत ना होइए नशियां तो रहत पतत पुणे तो रहत वहमां भरमां पखंडां तो रहत कन्नां च फूकां नहीं मरौणियां मड़ियां ते दीवे नहीं बालने कबरां ते चादरां नहीं चढ़ाउणियां साबत सूरत हो खंडे बाटे का अमृत छक के पंज प्यारे साहिबाना तो धन गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह दे लड़ लगना ते फिर सतगुर की रहमत लोग सुखीए परलोक सहेले नानक हर प्रभ आपे मेले गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहिंदे तुमको तुम्हारा खूब हमको हमारा खूब गुरु गोबिंद सिंह दा जवाब सुन के सारे चकरत रह गए कोई फिर सवाल ही नहीं उठे आ गुरु दे अगे गुरमुख प्यारियो आओ गुरु नानक साहब दीआं सिख्यावां नूं धारण करिए नहीं ते सोभे अमलां बाजो दोनों रोई त्यार बर त्यार होइए सारिया संगत गुरु दे लड़ लगी है फिर कदे समा बनिया आप जी दे दर्शन दारे करांगे अज दी इन्नी हाजरी सेवा प्रवान करियो भुलां चुका हो गई विचारा कर दें क्योंकि भुलण अंदर की आ सब कोई करता आप ना भुल भुलण अंदर सब को भुल गुरु करतार भुलां चुका मेरिया मेरी झोली पायो ताकि गांह तो सोध के तुहाडे चरणा च रख सकीए ते गुरमत दे गुर इतिहास दे बाणी दे बचन जिहड़े सतगुर ने करवा ले आ उन्हूं आपां सारिआं ने हिरदे च वसाउण की कोशिश करनी है सारिआं ने त्यार बर त्यार होवो चढ़दी कला दे विच आओ हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का सहयोग दिओ मैं अक्सर उस वेले भी भावें पंजाब विच ज़्यादा विचरदा सी पर उदों भी कहा हरियाणे दे सिखां दा हक आ हरियाणे दे सिखां नूं की होया इह अपने गुरुद्वारिआं दी सेवा संभाल नहीं कर सकते चलो 2014 दे विच फिर हरियाणा सरकार ने ऐलान कर दिता हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का पर उन्होंने गुरमुख प्यारे भी ना चंगा लग्या वो सुप्रीम कोर्ट जा खड़े सुप्रीम कोर्ट स्टेटस को जेडे गुरु घर की हरियाणा कमेटी सेवा कर रही उन्होंने हरियाणा कमेटी ते अजे बहुते गुरुद्वारे श्रोमणी कमेटी दे कोल पर कोई नहीं हुण गुरु कृपा करे जदों जह च लगे हैं समा बहुत ही दूर नहीं है हुण सतगुर की कृपा दे सदका सारे गुरु घर की सेवा संभाल तुहाडी साडी कोशिश आ जदों जहद ते गुरु सफलता बख्शे सहयोग बख्शियो कि हरियाणा स्थित सारे गुरुद्वारियां गुरधामां दी सेवा संभाल हरियाणे दीआं संगतां दे कोल आवे हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे कोल जो उपराले कीते जा रहे आ अज में गुरमुख प्यारे चौथे नूं भी अमृत संचार है और फिर 28 तरीक नूं अमृत संचार धर्म प्रचार अमृत संचार दे प्रोग्राम लीके जा रहे गुरुद्वारियां दी सेवा संभाल नूं सुचारू तरीके दे नाल चलाउण दा यतन कीता जा रहा है ये सेवा जिहड़ी तुसीं बख्शी है साडा काम ते कथा कीर्तन करना प्रचार ही तकरीबन 20-25 मुल्कां दे विच जाण दा समां बणिया धर्म प्रचार अमृत संचार की लहर ते हुण आ सेवा बख्शी है सेवा नूं भी नाल नाल गुरु की कृपा दे सदका तुसीं आशीर्वाद बख्शना तुहाडे सहयोग दे नाल
गुरु दीयां रहमतां दे नाल इहनूं वी चढ़दी कला दे नाल नभाईए। इस तरह की सेवा होवे कि असीं उहनां वड्डियां कमेटियां नूं गुरमुख प्यारियों इक मॉडल दे सकीए वी इस तरीके नाल गुरु घरां दा प्रबंध होना चाहीदा। गुरु घर दे प्रबंधकां दीयां आ जिम्मेवारियां ने, इह नहीं कि गुरु ग्रंथ साहिब दे सरूपां दा ही घोटाला कर दिओ। सरोपिया का घटाला तो सुनिया, सब्जियां का दालों का घटाला, पैसों का घटाला, गोलकों का घटाला तो सुनिया से उन्होंने 328 गुरु ग्रंथ साहब के सरूपों का भी घटाला ही करता। देखो तुहाडे सामने किड्डे दुख की गल है, 450 गुरु ग्रंथ साहब का सरूप कनेडा की बंदरगाह से सलाभिया गया, नुकसानिया गया, किड्डे दुख की गल है। जिन्हों असी गुरु घर की सेवा संभाल सौंपी वह गुरु ग्रंथ साहब का सरूप नहीं संभाल सके, होर तां की देना। इस करके आओ हंबला मारीे, उधर भी तो इधर भी, पंजाब भी तो हरियाणा भी, गुरमुख प्यारो सारा इको ही है। तो साड़ियाँ भावनावां तो सारे संसार नाल जुड़ियां, दुनिया च विचरदे आ, हर जगह दे गुरमुख प्यारो भावनावां जुड़ियां ने कि चंगा समाज सिरजिया जावे, गुरु घरां दी चंगी सेवा संभाल होवे, नशियां दा जिहड़ा प्रकोप है इहदे तों रहत कीता जाए, पतत पुणे तों रहत। इहदे वास्ते दिन रात तुहाडी सेवा सुआओ। एक बार फिर सारिया संगतां दा जिथे धन्नवाद करदा, उत्थे गुरमुख प्यारे गुरु घर दे शरधालु सरदार भुपिंदर सिंह जी लाडी प्रधान, उन्हां दे सारे परिवार दा जिन्हां ने उपराला कीता, उन्हां दा धन्नवाद। सारे रल के शुक्रगुजार होईए धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह दे, जिन्हां दी रहमत बख्शिश दे सदका आपां सारे इत्थे जुड़ बैठे। सारियां वडियाइयां मेरे सतगुर दीयां ने, ते सतगुर सारिआं नूं वडियाइयां बख्शण। सारिआं दीआं झोलियां खुशियां नाल भर देन, लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे। सारिआं नूं सतगुर दी मेहर दी नदर प्राप्त होवे। यही गुरु चरणां दे विच अरदास। हुण आनंद साहिब दा पाठ आप जी ने सरवण करना, फिर अरदास विच जुड़ना। मुख वाक सतगुरां दे, अगला प्रोग्राम मुख वाक उपरंत प्रबंधक सज्जना पासों सरवण करना। सारिआं दा धन्नवाद, सारिआं नूं जी आयां झुकाओ सीस धन गुरु ग्रंथ साहिब नूं, ते फतेह दी सांझ गज के करो आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।